बंद करो बंद करो। सरकार हाय 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 हाय। दमन बंद करो बंद करो। जगहों पर दमन नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं। नियोजित शिक्षक पर अत्याचार करना बंद करो बंद करो बंद करो। नियोजित शिक्षक पर लाठी चलाना बंद करो। समान काम का समान वेतन देना होगा। नियोजित शिक्षक पर अत्याचार करना बंद। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानमंडल के इस सत्र में जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि पूरी तरह से हंगामेदार होने वाला है। बिहार सरकार के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बजट पेश किया। इस बजट में शिक्षा को लेकर के जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि सबसे अधिक राशि का प्रावधान किया गया है, नंबर वन पे रखा गया है शिक्षा को। लेकिन शिक्षा की जिस तरह की स्थिति है और शिक्षकों की जिस तरह की स्थिति है, उसे लेकर के विपक्ष ने आज सदन में जमकर हंगामा। सदन के बाहर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर दिखा। आपको बता दें कि अलग अलग विपक्षी दलों ने जमकर सरकार को घेरने का प्रयास किया और नियोजित शिक्षकों का मामला भी उठा। नियोजित शिक्षक लगातार धरना और प्रदर्शन पर हैं और सरकार ने इस पर कड़े रुख अपनाए हैं। सदन में और सदन के बाहर शिक्षकों का मुद्दा निश्चित रूप से अब काफ़ी गर्माने वाला है। जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे, हम आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, चाहे वो भाई वीरेंद्र हों या फिर शिवचंद्र राम। आरजेडी की तरफ से जमकर हंगामा किया जा रहा है, पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं। वहीं भाकपा माले की तरफ से भी उनके विधायकों ने जमकर शिक्षकों का मामला उठाया है। देखिए वीडियो में किस तरह से विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन और पोस्टर के माध्यम से सरकार को घेरने का प्रयास हो रहा है और क्या कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, शिवचंद्र राम और भाकपा माले के विधायक। क्या मुद्दे हैं सर आपके? देखिए, आज इस तरीके का शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुका है पूरे राज्य में। आज हालात शिक्षकों की स्थिति बस से बदतर बनती जा रही है। बिहार सरकार ने बजट भी लाया, बजट में इसमें प्रावधान नहीं किया। अगर हमारा शिक्षक अगर इसी तरीका से भूखा रहेगा, हमारा शिक्षक चौक चौराहे पर जो कटोरा लेकर के भीख मांगता रहेगा, तो बिहार का शिक्षा का क्या स्थिति रहेगी? सरकार को इस पर अमल करना चाहिए। जो नियोजित शिक्षक हमारे हड़ताल पर बैठे हैं, उनको मना करके, उनके मांग को पूरा कर करके, और इनको जो है कि पटना से इनको जो है अलग अपने अपने स्कूल में भेजना चाहिए और इनकी पूरी मांग को माननी चाहिए था। इसके लेकर के विपक्ष आज हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम करेंगे। और मैं लगातार बोल रहा हूँ कि जब तक शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है। जब तक शिक्षक भूखा रहेगा, तब तक हमारा शिक्षा का विस्तार नहीं हो सकता, शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमारे शिक्षक के समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। ये सरकार चाहती है कि शिक्षा बिहार में नहीं रहे और शिक्षित लोग न रहे। जब शिक्षित नहीं रहेगा तो हम अल बल कर सरकार में शामिल होते रहेंगे। इसलिए हमारी मांग है कि शिक्षकों को समान काम के समान वेतन मिलना चाहिए और जब तक नहीं मिलेगा, हम उनके आंदोलन के साथ हैं, उनके साथ हैं। और आने हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से उनके कामों पर हम निश्चित रूप से अमल करने का काम करेंगे। न्याय करेंगे आप लोग? न्याय करेंगे निश्चित रूप से, नियोजित शिक्षकों के साथ न्याय करेंगे। चलिए होगा लेना होगा, शिक्षकों की बर्खास्तगी वापस लेनी होगी, लेनी होगी, लेनी
होगी। सरकारी शिक्षकों की बर्खास्तगी वापस करना होगा, करना होगा, करना होगा। समान काम के लिए समान वेतन शिक्षकों को देना होगा, देना होगा, देना होगा। शिक्षकों पर दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। शिक्षकों पर दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षकों पर दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सर आपकी मांगे क्या क्या कहना होगा, क्या क्या मांगे हैं शिक्षकों? अरे आंदोलनकारी शिक्षकों के मांगों को पूरी करने के बजाय नीतीश सरकार उन पर दमन चला रही है, उनको बर्खास्त कर रही है। हम मांग करते हैं कि नीतीश कुमार उनकी बर्खास्तगी वापस ले और शिक्षकों से वार्ता कर उनका आंदोलन समाप्त करने का प्रयास करे और समान वेतन काम के लिए समान वेतन का मुहैया करे, वरना विधानसभा में हम जोरदार हंगामा करेंगे। हम लोगों ने इस सवाल पर कार्य स्थगन भी दिया है, है ना? समान काम समान वेतन देना होगा। नीतीश सरकार हाय हाय, शिक्षकों पर अत्याचार करना बंद करो, शिक्षकों पर अत्याचार करना बंद करो। शिक्षक पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नियोजित शिक्षक पर लाठी चलाना बंद करो, समान काम के समान वेतन देना होगा। नियोजित शिक्षक पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नियोजित शिक्षक पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। जैसा कि आपने देखा, आपको अंदाजा हो गया होगा कि बिहार विधानसभा का एक महीने तक चलने वाला यह सत्र कितना हंगामेदार रहने वाला है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का पल पल का अपडेट आपको इसी चैनल पर सबसे पहले मिलेगा। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।